We are here. This is CatCat Bridge Street. This performing arts. Waterfall. And this no point. Only this. Yeah. Then back. Yeah. But, yeah. Back this and here. What's this? Village here. Cool. थैंक यू. ओके सो गाइज, यहाँ पे हमने स्लिप दे दी है और स्लिप देने के बाद ये हो गई है स्टार्ट मार्केट. ये पूरा ही कैटकैट विलेज है. ये एक्चुअली जो विलेज है ये चाइना के बॉर्डर से बहुत ही पास में है. यहाँ के जो लोग हैं उनकी खासियत एक्चुअली ये है, वो सब बिल्ली दिखते भी एंड बिहेव भी उसी की तरह करते हैं, ऐसा गूगल मुझे बता रहा है. बाकी हम देख लेंगे और आप भी बता सकते हैं देख के. तभी इसका नाम भी रखा हुआ है कैटकैट विलेज. अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको हर जगह बिल्लियाँ देखने को मिल जाएगी. यहाँ के लोग बिल्लियों को अपना बहुत ही खास मानते हैं और बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं. और यहाँ के लोगों से आप जब बात करेंगे ना, आपको महसूस होगा कि यहाँ के लोग बिल्लियों की तरह बहुत प्यारे और बहुत ही शांत है. जैसे कि अभी मोहतरमा देख के मुस्कुराई एंड उन्होंने रिस्पॉन्स दिया. उनका बच्चा भी कितना क्यूट सा था, कितना प्यारा सा था. गूगल बाबा ने जैसे कि मेरे को बताया यहाँ के लोग बिल्लियों की तरह लगते हैं. देखो लगने पे मैं इतना कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि क्या है ना, आंखें छोटी होती हैं, ऐसे होते हैं, खिंची होती है. वो आप बस बना रहे हो कि वैसे देखते हैं, ऐसा कुछ मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि बट यहाँ का नाम उसके ऊपर रख दिया तो आप क्या कह सकते हैं, ऐसा यहाँ पर है. Hey guys, welcome back to my channel. This is Bhai Arman and you're watching Dilli Wala Arman. ये हो गया यहाँ का फेमस कैटकैट विलेज का ब्रिज स्टार्ट. यहाँ के जो लोकल हैं वही यहाँ पर बाइक लेके आ सकते हैं, हम लोग नहीं. लकड़ी का ब्रिज है, क्या तो हवा आ रही है, क्या अमेजिंग वाइब आ रही है यहाँ पे. स्टार्टिंग ही जब इतनी अच्छी है तो एंड भी अच्छी होनी है मेरे को जहाँ तक के लग रही. चलो कैट के साथ मुझे एक डॉग भी मिला बड़ा प्यारा सा. सुन ना, नाम बताएगा अपना प्लीज़. तू बहुत प्यारा है, आई नो. सोचा तो अब हम लोग आ गए हैं कन्फ्यूजन में. एक ऊपर जा रही है, एक इधर जा रही है. आई गेस ये बनाया है अलग तरीके से, यही होना चाहिए. कुछ खाने पीने के लिए प्याज व्याज लगे तो आप यहाँ पर ले सकते हैं. हर तरीके का सामान है, हर तरीके से आप मेरा मतलब समझ गए हैं, है ना बेबी. भाई साहब गन्ने का जूस शायद पी रहे हैं एंड कितने खुश हो रहे हैं. हमारा रोज़ का होता है तो इनके लिए कुछ शायद नया होगा तो इसलिए वो इतना खुश हो रहे हैं. सही है. हेलो. हाँ तो लगते तो हैं भाई थोड़े बहुत कैट की तरह, लेकिन मुझे कैट अभी तक नहीं दिखी है. बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, उसके ऊपर नाम रख दिया गया है, बट अभी तक मुझे वो दिखे तो नहीं है. बहुत बड़ा एरिया है, बहुत शांत और बहुत प्यारा सा है. ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा हुआ है इसको. इतना पैसा लेंगे पर पर्सन 450-400 के हिसाब से, इतना तो बनता ही है करना और वो कर रहे हैं, जायज़ है. फिर पेमेंट ले रहे हैं तो दिल नहीं दुखता. काम करते हैं अच्छा लगता है कि हाँ भाई लो और घुमाओ हमें, मज़ा आ रहा है. मस्ट विज़िट, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ ये जगह है और अभी भी वही बोलूँगा. हेलो. हे. हाउ आर यू? नॉट गुड. यार मुझे कैट तो दिख नहीं रही है लेकिन मुझे डॉग हर जगह दिख रहा है. और ये रॉटविलर है, इसको मैं प्यार नहीं करूँगा. इसका कुछ भरोसा नहीं है कि मेरे को कच्चा भी चबा सकता है. रॉटविलर हाँ, उनको समझ में नहीं आया लेकिन हाँ थम्स अप दे दिया. जा साले बाड़ में जा, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं बोलते, बहुत प्यार से, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं यार वियतनामीज, बहुत अच्छे होते हैं. प्यार से हो गया मुझे इन लोगों से. सो गाइस, अगर आपको इमरजेंसी जाना है, इमरजेंसी मीन्स वॉशरूम जाना है, तो उसका भी भरपूर इंतज़ाम है यहाँ पर. दिखा देता हूँ कैसे है अंदर से. बाहर से तो काफ़ी साफ़ सुथरा है, अंदर से कुछ ऐसे है. इतना ही मिल जाता है ना तो बहुत होता है इन कामों के लिए. गाइस माइक की बैटरी हो गई ख़त्म तो आवाज़ थोड़ी अलग होगी अब. ये कैटकैट विलेज का जो मेन पॉइंट है वो अभी स्टार्ट होने वाला है. यहाँ से भी कुछ दिखाता हूँ. यहाँ रहने के लिए भी हैं, अगर आप कॉटेजेस ये जो बने हुए ना आप रह भी सकते हैं यहाँ पे. देखते हैं ये क्या है. ये आई गेस रहने के लिए कॉटेजेस बनाई हुई है या तो ऐसे ही देखने के लिए. जहाँ तक मुझे लग रहा है ये रहने के लिए. यहाँ से बंद है अभी. ओए होए नो नीज, इन्हें प्यारे प्यारे से हैं. हेलो बेबी. बंद है तो उसको बंद ही रहने देते हैं. मैं कल से ही एडिडास वालों को बड़ी गालियाँ दे रहा हूँ. वाई? क्योंकि ट्रैवल शूज़ के नाम पर जो इन्होंने मेरा ये काटा है. देखने में बहुत अमेजिंग शूज़ हैं
बट शूज इतने अनकंफर्टेबल हो रहे हैं ना अभी मुझे कल से, शायद दो तीन में ठीक हो जाए, अभी नए नए तो इसलिए शायद ऐसा हो रहा हो। मैं सोच रहा था ये छोटा सा ही है, बट ये आगे तक ये मेन एरिया जो है, मेन विलेज जो है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्या प्यारी प्यारी कारीगरी करी है यार। हेलो बहुत प्यारे आंटी, कितने क्यूट से हेलो ऐसे बोल रहे थे। आई गेस कैफे है, पूरा गांव की तरह ही है। वाईफाई भी है भाई साहब यहाँ पे, उनका वाईफाई यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है। मेरे को तो वही लग रहा है, ऊपर से कुछ ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट है। ओह सो कूल यार, क्या प्यारी है यार। यहाँ कुछ खाओ ना खाओ, लेकिन आगे बैठना ज़रूरी है। और खाओ खाओ ना क्या हो गया, जब आए तो खा ही लेना यार। क्या प्यारी जगह है भाई साहब, प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पर प्रॉपर। ओ मज़ेदार। और कैफ़े का नाम ये लिखा हुआ ऊपर, उस प्राइस कुछ ये है। आपको जो भी समझ में आप ले सकते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह का है, जूस भी है यहाँ पे, तो मैं शायद जूस लूँगा। बाकी अंदर से कुछ दिखाया तो पहले ये कैफ़े। ओके सो गाइस, पेट पूजा हमने यहाँ पर कर ली है। बाहर के थोड़े से नज़ारे दिखा दो। सो हो रहा है यहाँ पर बाबी की चिकन, ये गाइस डक है, आई डोंट नो चिकन एंड दिस ब्लैक चिकन एंड व्हाट्स दिस पोक पोक। बहुत प्यारा है यार, ये वॉशरूम है आगे, और भी इनके कॉफ़ी शॉप और कैफ़े वगैरह हैं। पैन कैट कैट, जैसे हमारे इंडिया में होता है, लोग कपड़े पहन के जो रेंट पर मिलते हैं वो पहन के यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। वो ट्रेडिशनल जो क्लोथ्स हैं यहाँ के, वो पहन के लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं वो वाटरफॉल है, वहाँ पर अभी मनीष सर के साथ आके जाते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अभी हम लोग हैं इधर, और यहाँ से आगे जाते हुए यहाँ पर आएंगे, ये दोनों कवर करेंगे, देन यहाँ पर आएंगे, देन यहाँ से वापस जो चेक पॉइंट था वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो गया है। यहाँ से वाटरफॉल ये सामने आप देख ही रहे हैं, कितनी प्यारी आवाज़ लग रही है। गन्ने का जूस, बहुत बड़ी मार्केट है यार, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। वो चेक पॉइंट पे जो भाई साहब थे वो शायद इसी वाटरफॉल की बात कर रहे थे। इतने उदास से क्यों बैठे हैं यार यहाँ पर लोग आके। और कैट्स मुझे वैसी ही दिख रही हैं, बट असली वाली कैट्स मुझे दिख नहीं रही है। ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड ऑल, देखते हैं कि यहाँ पर है क्या एक्चुअली में। ये जो आवाज़ है ना वाटरफॉल की, इतनी प्यारी, इतनी सूदिंग है। हेलो हाउ आर यू परफॉर्मिंग आर्ट्स? ओके 5 मिनट्स स्टार्ट 5 मिनट्स। ओके तो बस यहाँ पर होने वाली परफॉर्मिंग आर्ट स्टार्ट। अंदर से कुछ ऐसा ऐसा लगता है।
यार क्या तो शो था ये पूरा। आपको मैंने जो थोड़े थोड़े से ग्लिम्स दिखाए हैं ना, अगर उसकी आपको प्रॉपर वीडियो देखनी है, मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई है बाय द वे, तो आपको दूसरी वीडियो में मैं बना के प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर लेना, इसके बाद ही आएगी वो वीडियो। और भी आप लोग यहाँ पर आओ तो ये एक्सपीरियंस लेना मत भूलना। तो यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे और भी दो तीन जगह आपको दिखानी है, तो फटाफट से निकलते हैं वहाँ पर। दिस इज इट फॉर कैट कैट विलेज। आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में अगर और वीडियोज़ देखनी है, प्रॉपर वीडियो देखनी है, तो वो भी आप नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगी, वो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली वाला अरमान। बाय, पीस।